नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 8 सितंबर, लेकिन पहले हम 7 सितंबर के करंट अफेयर को देखेंगे। 7 सितंबर के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। कल हमने इसको डिटेल में देखा था, आज बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे और इसके बाद में फिर 8 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। ये 10 प्रश्न 2 मिनट में हम रिवाइज करेंगे, फटाफट उत्तर दीजिएगा और फिर आगे के सेशन में हम चलेंगे। राष्ट्रपति के G20 निमंत्रण में इंडिया के स्थान पर देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये नाम रखा गया है भारत। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत मंडपम में नटराज की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि मनाने के लिए 7 सितंबर की तारीख चुनी गई। ये स्टेटमेंट गलत है, जरा सही बताइएगा क्या तारीख है वो। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस घोषित किया, तो दूसरा यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? तो यह है हिताची भुगतान सेवा। हिताची कहाँ की कंपनी है, मैंने कल भी पूछा था, किसी ने बताया नहीं है, जरूर बताइए। केंद्र सरकार ने बच्चों को AI सीखने में मदद के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है एडोब सिस्टम के साथ, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुन्नार केरल, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, पंचमढ़ी छत्तीसगढ़। ये गलत है क्योंकि पंचमढ़ी आपका MP में है, ये सारे हिल स्टेशन और राज्य दिए हुए हैं। सापुतारा आपका गुजरात में है। सेबी किस वित्तीय वर्ष तक 1 घंटे का व्यापार निपटान ट्रेड सेटलमेंट शुरू करेगा? तो ये डेट उसने घोषित की है मार्च 2024 की। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरब सागर में समुद्र की गर्मी और हवा की दिशा चक्रवात बनने में मदद कर रही है। चक्रवात बनने के लिए समुद्री सतह का तापमान लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। और अंतिम प्रश्न है रिवीजन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेबी एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सेबी की स्थापना यहाँ पर जो दी गई है उसका 1981 में गठन किया गया ऐसा दिया गया है, ये गलत है, सही आप बताएंगे, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रश्न मैं पूछता हूँ उसको जरूर बताइए। आप लोगों ने कहा था फॉन्ट थोड़ा छोटा है, मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। ये फॉन्ट थोड़ा अट्रैक्टिव है इसलिए हमने इसको रखा है, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए चीज़ों को, जैसा जो कुछ आपको लगे कि इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है ज़रूर बताइए। कल आप लोगों ने इस सेशन को लाइक बहुत किया, करंट अफेयर के सेशन को। आज मैंने टारगेट बढ़ाया नहीं है, उतना ही रखा है, कम से कम 100 लाइक इसमें हो। और ये सेशन आप अपने स्टेटस पे लगाइए, लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, जिससे मैं कंटिन्यू इसको चला सकूँ, हमारी टीम आपके लिए प्रयास कर रही है। चलिए 8 सितंबर का करंट अफेयर हम पढ़ते हैं और लेते हैं पहला सवाल। सितंबर 2023 में भारत ने अमेरिका द्वारा आयातित किस वस्तु पर सीमा शुल्क कम नहीं किया है? कौन सी वस्तु है जिस पर सीमा शुल्क कम नहीं किया है? यानी कि इसमें 4 जो वस्तुएं दी हैं इनमें से एक कोई है जिसपे नहीं किया है, बाकी सब पे किया है। बादाम पे किया है, अखरोट पे किया है, दाल पे किया है, लेकिन जो यहाँ पर दिया हुआ है गेहूँ, गेहूँ पर कम नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अभी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ G20 समिट हो रही है और G20 समिट के दौरान हमारे यहाँ देश विदेश से बहुत सारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और बड़े उच्च पदों पर आसीन लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसी अवसर पर अमेरिका के साथ, क्योंकि हमारे संबंध अच्छे रहते हैं, तो इसी अवसर पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके आने के पहले कुछ घोषणाएँ की गई हैं और उन्हीं घोषणाओं के तहत ये भी हुआ है। इसके अंतर्गत गेहूं पर नहीं लेकिन बादाम, अखरोट और दाल, इन सब पर आयात पर जो जवाबी सीमा शुल्क है उसको हटा दिया गया है। 6 सितंबर की ये न्यूज़ है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो विडेन आ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम आप सबको पता होगा, जो विडेन यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने के बाद भारत ने जून 2019 में 28 अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था, लेकिन अब जाके इसको हटाया है क्योंकि उसने जब बदतमीजी की तो हमने भी उसका जवाब दिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और यूरोपीय जलवायु सेवा कॉपरनिकस के अनुसार अब तक का सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? इधर आपने गर्मी बहुत महसूस की होगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO और यूरोपीय जलवायु सेवा कॉपरनिकस है, इन दोनों ने एक आंकड़े के तौर पर कुछ कई सालों के अनुमान निकाले और उसको जारी किए हैं और उसमें इन्होंने बताया कि अब तक का सबसे जो गर्म महीना रहा वो जुलाई 2023 रहा और उसके बाद में जो सेकेंड गर्म रहा है वो अगस्त 2023 रहा है। गर्मी वास्तव में बहुत ज़्यादा इसमें पड़ी है, बाकी इसमें आंकड़े इन्होंने दिए हैं।
ये 2016 के बाद 2023 में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके पहले अगर सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था तो सन था 2016, फिर 23 में। और ये कह रहे हैं कि इसमें कई चीज़ें हैं जो तापमान वृद्धि में सहायक हैं, तापमान बढ़ा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और आपने सुना होगा कि अब ग्लोबल वार्मिंग के बजाय जो शब्द यूज हो रहा है वो हीटिंग यूज हो रहा है, कि अब हीट हो रहा है। गर्मी के दिनों में कुत्ते सिर्फ भौंक नहीं रहे बल्कि काट भी रहे हैं, इतना प्रभाव पड़ रहा है। ये एंटोनियो गुटेरेस के बयान में ऐसा कहा गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जॉक्सा ने 7 सितंबर 2023 को मून मिशन, मून स्नाइडर इसको कहते हैं, मून स्नाइडर को स्नाइपर है, सॉरी मून स्नाइपर, स्नाइडर नहीं है, स्नाइपर है ना, मून स्नाइपर, मून स्नाइपर को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, और उसका नाम क्या है? जॉक्सा। तो पहला स्टेटमेंट आपका ये है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि इस मिशन को जापानी स्पेस सेंटर, साथ में नासा, और तीसरा दिया है इसरो ने मिलकर बनाया है। यहाँ पर इसरो नहीं है, ये नासा है और जाक्सा है, और जाक्सा के साथ में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, स्पेस जो एजेंसी है उसने इसमें साथ दिया है। तो केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बांस की प्रजाति सिजो स्टेचियम अंडमानिकम पाई जाती है। ये एक बांस की प्रजाति है, आपसे पूछी जा सकती है ये किस चीज़ की बांस की प्रजाति है, मतलब किस चीज़ की प्रजाति है, बांस की है या कोई अन्य प्रजाति है पेड़ पौधों की? बांस तो है ही है। तो ये पहला तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अभी ये चर्चा में इसलिए रहा है, भारत सरकार ने पेटेंट दिया है, पेटेंट कार्यालय जो भारत सरकार का है उसने बांस आधारित रियूजेबल एस्ट्रा की बात हो रही है, जिससे आप नारियल पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई भी ड्रिंक पीते हैं, तो यूजेबल होगा, यानी कि एक बार आप यूज़ करने के बाद में पुनः प्रयोग इसका कर पाएंगे, पुनः प्रयोग स्ट्रा होगा। और इसके निर्माण के लिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को पेटेंट दिया है। अब बात आती है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापित हुआ था 1890 में, और कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, वहीं पर इसका मुख्यालय भी है, लेकिन 1890 में हुआ था, 1882 यहाँ पर दिया है, केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है, एक वैज्ञानिक संस्थान है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। 2018 में इसने पेटेंट के लिए आवेदन किया था और 2023 में इसको पेटेंट दिया गया है। फिनटेक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन की पहचान करें। फिनटेक क्या होता है? ऐसी कंपनी जो अपने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से अपनी वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करती है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ही समय में विभिन्न वित्तीय सेवाओं को ये पेश करते हैं, उसमें पेशकश करते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। फिनटेक की अगर हम बात करें तो फिन लिया गया है फिनांस से, और टेक लिया गया है टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ से आपने ले लिया फिन और यहाँ से ले लिया टेक। फिनटेक जो शब्द है इसी से मिलकर बना है, यानी एक ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करती है, टेक्नोलॉजी के भरोसे काम करती है, और सर्वोत्तम तरीके से जो भी वित्तीय सेवाएं हैं उनकी पेशकश करती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हुआ यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने 6 सितंबर 2023 को फिनटेक कंपनियों से अपने मॉडल की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए कुछ बातें कही हैं, कुछ तीन महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देने की बात इन्होंने की है। तो वो बातें आपको यहाँ पर नहीं जानना है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये होता क्या है। जल जीवन मिशन के बारे में सत्यकथन की पहचान आपको करनी है, आप बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। जल जीवन मिशन, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को की। जल शक्ति मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल एजेंसी है। एक तो यहाँ पर तिथि आपसे पूछी जा रही है, ये तिथि इंपॉर्टेंट है, नोडल एजेंसी आपसे पूछी जा रही है। और तीसरा है मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान करना है। तो ये डेट याद रखिएगा, 19 से 24, और जल शक्ति मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1, 2, 3। 15 अगस्त 2019 को इसको प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था। 13 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने की उपलब्धि अभी इसने हासिल की है, 13 करोड़। कई जगहों पर तो जैसे बिहार है, मिजोरम है, यहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादा और नागर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर 100% कई स्टेट हैं जहाँ पर 100% कवरेज हासिल कर लिया गया है। तो ये अभी आंकड़े जारी हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में रहा है। अगला जो प्रश्न है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो ये आयोजन स्थल है हिंडन, गाजियाबाद, वहाँ पर ये एयरबेस है, भारतीय वायुसेना का एयरबेस है, वहीं पर
इसकी इसका आयोजन हुआ और इसकी सह मेजबानी भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक ड्रोन फेडरेशन है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो एयरफोर्स है हमारा भारतीय वायुसेना है, तो वो दोनों मिलके इसको कर रहे हैं। कहाँ पर? हिंडन गाजियाबाद में। भारत ड्रोन शक्ति 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की प्रतिबद्धता रखता है, यानी कि वो कोशिश में है कि हम वैश्विक हब बन जाएं, इसीलिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है, 25 सितंबर से ये आयोजन होगा और ये उत्तर प्रदेश में हिंडन पड़ता है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है ना, तो इसलिए यूपी स्पेशल का भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी हम आपका पूरे साल भर का यूपी स्पेशल का करंट अफेयर रिवाइज कराएंगे। और आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अगर चाहें तो वीकली रिवीजन भी हम इसका कराएंगे। वीकली रिवीजन से क्या होगा, हफ्ते भर में जो आपने पढ़ा है उसको चेक कर पाएंगे कि याद है पूरा या नहीं। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2030 में कौन सा पदक जीता है? भारतीय पुरुष टीम ने जीता है, एशियाई टेबल टेनिस में जीता है, चैंपियनशिप है ये 2023 की, कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कुछ नाम याद रखिए, शरत कमल, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञान सेकरन, ये भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम के अंतिम चार में से जो 0-3 ये मैच थे जो उसमें ये हारे थे उसमें ये लोग खेल रहे थे, है ना, ये सारे लोग खेल रहे थे। तो इनके नाम इम्पोर्टेंट हैं कि जैसे पूछ लिया जाए आपसे कि शरत कमल किस खेल से संबंधित हैं, हरप्रीत देसाई किससे, साथियान ज्ञान सेकरन किससे, तो हरमीत, शरत और साथियान इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मिश्रित युगल में मनिका बत्रा और साथियान ज्ञान सेकरन थे इस तरीके से, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किस क्षेत्र के ये खिलाड़ी हैं, किस खेल के खिलाड़ी हैं। वानुअतु के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वानुअतु एक छोटा सा देश है और वहाँ पर सातो किलमन अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, सातो किलमन ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अपना मैप उठाइएगा और वानुअतु को आप देखेंगे तो चीन और पश्चिमी देशों के बीच में ये रणनीतिक प्रतिबद्धता का एक केंद्र हमेशा रहा है। और ये कहाँ पर नज़र आएगा, आप चले जाइए वानुअतु को देखिए तो वानुअतु कहाँ पर नज़र आएगा, जैसे एक बार जैसे आप जब मैप उठाते हैं तो मैप उठा के ये देखने की कोशिश किया कीजिए कि जैसे कोई भी देश है तो कोई भी देश आपको जब एक बार आप देख लेते हैं तो वो दिमाग में आपके इमेज बैठ जाती है। तो आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया के पास और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ईस्ट में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वानुआतू मिलेगा। और वानुआतू अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये निकल आए, वानुआतू, वानुआतू, तो वानुआतू मैप आप देखेंगे, ये देखिए आपका वानुआतू है और वानुआतू ये देखिए यहाँ, जब ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आप जाएंगे ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और यहीं पर आपको ये मिल जाएगा। पोर्ट विला इसकी क्या है? पोर्ट विला इसकी कैपिटल है, राजधानी है। और यहाँ पर अभी जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव के दौरान किसको चुना गया है प्रधानमंत्री? सातो किलमन। अभी देखिए यहाँ पर सातो किलमन का नाम नहीं आ रहा है लेकिन ये बदल गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व के पहले रैपिड रिस्पॉन्स डिजास्टर हॉस्पिटल का अनावरण किया गया, तो इस हॉस्पिटल का नाम क्या रखा गया है? और इसका इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये 8 मिनट में पूरी तरीके से स्टार्ट हो सकता है, ज़रूरतमंद मरीजों की तुरंत मदद कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ये विश्व का सबसे रैपिड रिस्पांस डिजास्टर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी उपलब्धि ये है और इसका नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री अस्पताल, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या नाम रखा गया है? आरोग्य मैत्री अस्पताल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये आपको कैसा लगा आप हमको बताइएगा कि साप्ताहिक रिवीजन का कार्यक्रम भी हम चलाएं, क्योंकि एक हफ्ता हमारा पूरा हो रहा है करंट अफेयर का और क्योंकि 3 दिन का एक साथ हमने डिस्कस किया था, तो अगर आप चाहेंगे तो हम उसको ज़रूर आपको रिवाइज कराएंगे।